भारत का चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो जैसे मानो पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर भारत को इस दिशा में सबसे ऊपर कर दिया है। भारत का बहुत बड़ा नाम हो गया है जो भारत को खुद से नीचा समझने वालों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि भारत को इस मिशन की सफलता के लिए दुनिया भर के देशों ने खूब बधाइयां भेजी हैं, तारीफें बहुत की हैं, लेकिन इस सब के बाद पाकिस्तान की तो नहीं लेकिन हाँ ब्रिटेन की भारत की तेजी के विरोध में बौखलाहट जरूर सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी के राज में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अपने नाम का परचम दुनिया में लहरा रहा है, चांद पर तिरंगा गाड़ दे रहा है, वो ब्रिटेन को काफी चुभा है। तभी तो वो भारत को दी गई फॉरेन एड की रकम को वापस मांग रहा है। जी वही ब्रिटेन जिसने भारत को लूटा है, भारत को गुलाम बनाकर उसकी चीजों पर कब्जा किया है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत से चोरी कर जो ब्रिटेन अपने देश में हीरे जवाहरात जेवर सब ले गया, वो ब्रिटेन भारत से दिए गए विदेशी एड को वापस देने की बात कर रहा है। हालांकि फिर भारत से भी ब्रिटेन की इस सीनाजोरी पर उसे शानदार जवाब मिला है। भारतीयों ने ब्रिटेन को आईना दिखाते हुए कहा है कि वो कैसे हमारे देश से कोहिनूर जैसी अनमोल चीज को लूट कर ले जाने की बात भूल गए। अब चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस करने की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने लिखा, ब्रिटेन गिव अस बैक अवर $44.997 trillion। हाई जीबी न्यूज पैट्रिक क्रिस्टीज, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अबाउट द ग्रांट। नाउ एज अ रूल सैल्यूट अस एंड रिटर्न $45 trillion यू हैव लूटेड फ्रॉम अस। ब्रिटेन गिव एज यू से $2.5 billion, डिडक्ट इट एंड रिटर्न द रिमेनिंग $44.997 trillion टू इंडिया। अवंती देसाई नाम के यूजर ने लिखा, पैट्रिक क्रिस्टीज, स्वीटी, यूके डज नॉट ओ इंडिया एनी एड, इट ओज अस रेपरेशंस, वन यू कैन नॉट अफोर्ड even if you sell off your country and people. Radhika Ramchandran ne likha, we Indians wish to invite Patrick Christie's to return our 45 trillion first, beginning with our Kohinoor, which your present king shamelessly flaunts on his undeserving head. Your museums shamelessly display our ancient artifacts and profit at India's expense. Shame on you. Shaitan Singh naam ke user ne likha, he has to sell entire London for repayment. English beggars. महेश चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, हु विल पे द इंटरेस्ट फॉर $45 trillion फॉर दी 76 इयर्स पीरियड इंटरेस्ट अमाउंट, दे नीड टू पे $436.9715 trillion। डॉक्टर थानोस नाम के यूजर ने लिखा, इंडिया हैज डन व्हाट ब्रिटेन हैज नॉट बीन एबल टू अचीव थ्रू आउट देयर एग्जिस्टेंस, दैट इज लैंड अ रोवर ऑन द मून। How can they tolerate such a travesty, especially when Britain ruled over India for 190 years? जो कि सही बात है, जिस देश ने हम भारतीयों पर पूरे 190 वर्षों तक राज किया हो, भला उस देश को भारत का चांद पर लैंडर विक्रम लैंड करा देना कैसे रास आएगा, जबकि ब्रिटेन भारत को लूटने के बाद भी ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है, इसलिए भारत की तरक्की से बौखला रहा है, जिसका भारतीयों ने भी जबरदस्त जवाब दिया है। अब जानते हैं कि इस बवाल की शुरुआत कहां से हुई, कहां से शुरू हुआ बवाल। बवाल उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन भारत ने चांद पर कदम रखा। उसी दिन जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में कहा, भारत को ब्रिटेन से 2016 से 2021 के बीच £2.3 अरब की मदद मिली है। अगर भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है तो फिर उसे विदेशी मदद लेने की क्या जरूरत है। वहीं ब्रिटिश पत्रकार सोफी कोरकोरन ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया, लिखा, ब्रिटेन द्वारा भारत की स्पेस एजेंसी को दी जाने वाली सहायता राशि की मांग करते हैं। सोफी ने लिखा, ब्रिटेन को भारत को सहायता नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि उसके पास एक एडवांस अंतरिक्ष कार्यक्रम है, अब समय आ गया है कि हमें अपना पैसा वापस मिल जाए। वहीं ब्रिटिश न्यूज चैनल जीबी न्यूज के प्रेजेंटर पैट्रिक क्रिस्टी ने तो यहां तक लिखा कि भारत में हमारा £2.3 billion है, वापस दो। और पैट्रिक क्रिस्टी ने तो ये भी लिखा ही है कि अब समय आ गया है कि हमें भारत को दिया गया फॉरेन एड वापस ले लेना चाहिए या फिर और नहीं देना चाहिए। जिस पर ऐसा बवाल मचा कि भारतीयों ने तो कोहिनूर भी वापस मांग लिया, और तो और उस जमाने की भी याद दिला दी गई जब ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था और ब्रिटेन भारत को लूट कर ले गया था। अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक के भी उस रिपोर्ट को इस बीच में याद किया गया जब उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन 1765 से 1938 के दौरान भारत से $44.6 trillion की संपत्ति ले गया, जिस वजह से भारत गरीबी से उबर नहीं पा रहा है। अब सोचिए कहां ब्रिटेन अपने £2.3 billion लौटाने की बात कर रहा है, जबकि अब भारत ब्रिटेन ने जितना लूटा है वो सबको ब्याज के साथ लौटाने की मांग पर अड़ गया है, जिसके बाद यकीनन इस मुद्दे को हवा देने वाले ब्रिटिश एंकर पैट्रिक को गलत टॉपिक चूज करने के लिए, गलत मुद्दा उठाने के लिए हर्जाना भी भुगतना पड़ा होगा।
वैसे आप ब्रिटेन भारत से जिस तरह से विदेशी मदद वापस करने की मांग कर रहा है और जिस पर भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।